भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे महिला पहलवानों ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही दिया है। महिला खिलाड़ियों की याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। वहीं खिलाड़ियों ने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। दरअसल खिलाड़ियों का कहना है कि यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध की शिकायत देने पर भी दिल्ली पुलिस ने न तो FIR दर्ज की है न कोई कार्रवाई की है। साथ महिला पहलवानों की तरफ से दाखिल याचिका को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि यह महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। इन सब ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इनमें से एक महिला खिलाड़ी ऐसी है जिसके साथ जब शोषण हुआ तब वह सिर्फ 16 साल की थी। 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की शिकायत दी गई थी, वहीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि गंभीर अपराध की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है, ऐसा न करने पर कानूनन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। सिब्बल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने फैसलों में यह कह चुका है कि इस तरह के अपराध की शिकायत पर पुलिस को FIR लिखनी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो एविडेंस को सील बंद लिफाफे में देने की बात भी कही गई है, जिसको अब चीफ जस्टिस ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। साथ ही ये अपील की गई है कि याचिकाकर्ता खिलाड़ियों के नाम सार्वजनिक न किए जाएं। चीफ जस्टिस ने माना है कि यह आरोप बेहद गंभीर है। सुनवाई के अंत में उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को इस बात की अनुमति दी है कि वह नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिल्ली सरकार के वकील को सौंप सकते हैं। कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 28 अप्रैल को अगली सुनवाई की बात कही है। वहीं दिल्ली पुलिस को यह बताना होगा कि उसने खिलाड़ियों की तरफ से की गई शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।